नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपके सामने फिर से एक नया प्रोडक्ट लेके आया हूँ। ये पेंटी है जो कि कोलगेट से मैंने मंगाई थी वेबसाइट से। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आपको लिंक चाहिए तो आप कमेंट पे लिंक भी लिख सकते हैं, मैं वहाँ पर भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो दोस्तों पेंटी जो है वो बहुत ही अच्छी है, और मैं अभी आपको इसको पूरा खोल के बताऊँगा कि कैसी है, कलर वगैरह और डिज़ाइन वगैरह इसकी कैसी है। तो ये लगने में ऐसी लगती है, आप प्रिंट वगैरह देख सकते हैं, यहाँ पे आपको प्रिंट वगैरह नजर आ रही है। यहाँ पे प्रिंट कुछ ऐसी है, और जो कपड़ा है वो भी ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ही अच्छा वो कॉटन में है कपड़ा। तो आप इसको अगर डेली वेयर भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं अभी आपको इसको ओपन करके बताता हूँ। तो दोस्तों दिवाली का सीज़न है, दिवाली के पटाखे वगैरह चल रहे हैं, आपको आवाज़ भी आ रही होगी, और अगर नहीं आ रही है तो दिवाली का सीज़न है ये। मैं दिवाली के सीज़न में आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ, और ये लगभग बहुत ही अच्छा दिवाली ऑफर भी मुझे मिला है, जिसमें मुझे बहुत सस्ती पड़ी है। ये लगभग 130 रुपये की मेरे को यहाँ पे डिलीवरी चार्जेस वगैरह सब मिला के 130 रुपये की ये आई है। तो काफ़ी अच्छा सीज़न में सेल चल रही है, तो आप ज़रूर मंगवा सकते हैं। और पेंटी जो है वो बहुत ही अच्छी है, मैं अभी आपको इसकी डिजाइन वगैरह का बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए और पेंटी पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों इसकी डिजाइन वगैरह कुछ ऐसी है जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इसको आपको ओपन करके बताता हूँ। इसकी डिज़ाइन वगैरह कुछ ऐसी है। इसके साथ जो बॉक्स आया था वो फट गया था, इस वजह से मैंने इसको फेंक दिया है बॉक्स को। तो इसकी डिज़ाइन वगैरह कुछ ऐसी है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल ही कपड़ा यूज़ हुआ है, और यहाँ पे साइडों में नेट है, जो कि नेट भी काफ़ी अच्छा है। जैसा कि मैं आपको बताऊँ, जो कलर है इसका वो कलर भी काफ़ी अच्छा है, जो कि है आसमानी कलर है इसका, जो कि काफ़ी अच्छा लुकिंग वाइज वगैरह देता है। मैं पीछे से अगर आपको बताऊं तो ये पीछे से कुछ ऐसी है, और ये साइज़ में काफ़ी बड़ी है, XXL है इसकी। स्मॉल साइज़, मीडियम, लार्ज सब आपको साइज़ें अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन ये XXL साइज़ है। तो अगर आप का हेवी वेट है तो आप XXL साइज़ मंगवा सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि XXL साइज़ है। और अगर आप स्लिम हैं तो आप L साइज़ या स्मॉल साइज़ या M साइज़ मंगवा सकते हैं। तो मैं अगर आपको इसकी स्ट्रेचेबिलिटी वगैरह बताऊं तो कॉटन की है, ऐसे स्ट्रेच वाला कपड़ा नहीं है, इतना ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होता है, थोड़ा बहुत जो कपड़ा स्ट्रेच होता है वो तो होता ही है। और यहाँ पे जो इलास्टिक है वो भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी पतला दिया हुआ है, तो ऐसे कहना है कुछ अजीब सा आपको महसूस नहीं होगा जब आप पहनोगे, तो इलास्टिक वगैरह काफ़ी पतला है और काफ़ी सॉफ्ट इलास्टिक है, ऐसा नहीं है कि हार्ड इलास्टिक है। और अगर मैं आपको अंदर से बताऊँ तो अंदर से कुछ यहाँ पे ऐसा कपड़ा है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये कुछ ऐसी डिज़ाइन है, और ये पानी में भीगने के बाद में विजिबल हो जाती है, लगभग लगभग थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंट हो जाती है, पर ऐसे तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं रहती है, ऐसे तो आपको बॉडी पार्ट्स जो है वो शो नहीं होंगे, लेकिन पानी में भीगने के बाद में वाइट है, इस वजह से ये थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंट हो जाती है। यहाँ पे आप नेट का देख सकते हैं कि नेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, पहनने के बाद में इसको जब वेयर करते हैं तो नेट वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुकिंग देता है इसके साथ में। और अगर मैं आपको अंदर के यहाँ की बात बताऊं तो यहाँ पे भी कॉटन डबल कपड़ा दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये डबल कपड़ा है। मैं आपको ओपन करके बताऊं तो ये डबल कपड़ा है, ये वाला कपड़ा अलग है और ये वाला कपड़ा अलग है, जिस वजह से यहाँ पे स्मूथनेस रहती है और ड्राई वगैरह रहता है, ये पानी को सोख लेता है, सब तरह के पानी को आप देख सकते हैं। यहाँ पे ब्रांडिंग की हुई है, XL साइज है, और पेंटी जो है वो काफ़ी बड़ी है, XXL साइज़ में भी अवेलेबल है। और यहाँ पे जो जो डिज़ाइन वगैरह है वो काफ़ी अच्छी है, जैसा कि आप देख सकते हैं जो डिज़ाइन वगैरह है वो काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे जो पीछे भी डिज़ाइन है वो भी काफ़ी अच्छी है, और पहनने के बाद में लुकिंग जो है वो काफ़ी अच्छी आती है। ये अलग अलग डिज़ाइन वगैरह कपड़े में भी अवेलेबल है, आप जैसा चाहे वैसा मंगवा सकते हैं। बाकी लुकिंग वाइज अगर देखी जाए तो लुकिंग इसकी बहुत ही अच्छी आती है, ऐसा नहीं है कि पहनने के बाद में अजीब सा लगता है। आप इसको बीच वेयर वगैरह डेली यूज़
आप इसको क्या बोलते हैं, कोई ओकेजन हो या आप हनीमून वगैरह पे भी इसको पहन सकते हैं। ये काफ़ी कंफर्टेबल और सेक्सी लुक आपको प्रोवाइड करवाती है। जो अगर मेंस अगर इसको पहनना चाहे तो मेंस भी पहन सकते हैं, बेसिकली ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काफ़ी अच्छी पैंटी लगेगी। बहुत सारे मैन को शौक होता है कि वुमन की पैंटी पहनने का, तो वो भी इसको पहन सकते हैं, इसमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखे जाए तो कर्व जो है वो काफ़ी बड़े हैं यहाँ पे, जो कि थाइस के यहाँ पे काफ़ी बड़े हैं, और ये काफ़ी पतला है। तो इसका जो ओवरऑल जो लुकिंग, जब इसको पहनती है वुमन तो लुकिंग जो है वो बहुत ही अच्छी आती है। पूरी बिकनी स्टाइल में पहनती है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कर्व जो है वो बहुत ही अच्छे दिए गए हैं, और पीछे से पूरा आपको सपोर्ट मिलता है, पूरा पार्ट्स आपके ढके हुए रहते हैं। तो ये थी हमारी पेंटी का रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आया हो, पेंटी पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आने वाले टाइम पे और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा, नई नई पेंटी के साथ में नई नई वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।